अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, इतने दिन आपने पीरों को तो देखा ही होगा, वो पीर जिनको पहला कलमा भी नहीं याद है, वो पीर जिनको दीन की बुनियादी मालूमात भी नहीं है, कहीं और नहीं, आपने हमारे इसी चैनल के जरिए देखा होगा। और भी कुछ चैनल हैं, उन पर भी उनकी वीडियोस अपलोड हैं, वहां से भी आपने देखा होगा। अब एक नया और खतरनाक फितना उभरा है। एक साहब ने ये वीडियो मुझे देते हुए कहा कि इस पर कुछ आपकी बात हो जाए। तो आपको बतला दें कि इतने दिन आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे, आपने बाबा तो बहुत देखे होंगे, आज दादी को भी देख लीजिए। अब लोग इस पर तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि मार्केट में पिरानी माँ या पिरानी दादी आ गई हैं। और कुछ मजाहिया किस्म के लोग होते हैं तो वो कह रहे हैं कि चलो इनसे बैठ होते हैं, कम से कम ये गले तो लगाएंगी। खैर, ये मजाहिया किस्म के कुछ लोगों की बातें थी, या कह लीजिए कुछ बकवास थी। आपको बतला दें कि मार्केट में हर रोज कोई ना कोई नया पीर आता रहता है। हाँ, जब कहीं मजार से उसकी मजार से उसका धंधा बंद हो जाता है तो नई मजार का रुख कर लेता है। लेकिन जब इन पीरों की सच्चाई कैमरे के सामने आती है या सोशल मीडिया पर आती है, फिर वो गायब ही हो जाते हैं। जी हाँ, और ये भैया जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पिरानी दादी के गले लगे हुए हैं और पिरानी दादी से बैत होने के लिए आए हैं, और ये बदबख्त औरत इस भैया जी को कुछ नसीहत कर रही है और अपने गले से बहुत कायदे से लगाए हुए है। ये तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताने की कोई जरूरत है नहीं। शरीयत में कोई औरत किसी गैर महरम से बातचीत भी नहीं कर सकती, फिर भला के कैसे जायज होगा कि एक औरत पीर बनकर मुआनका करे किसी गैर महरम मर्द को अपने गले लगाए। अब इस पर इनके यानी मजार पर बैठने वाले मौलाना और दयाने कराम के फतवे का हम इंतजार करते हैं कि इनके मौलाना लोग देखते हैं इस पर क्या फतवा लगाते हैं, इसका जरा हम इंतजार करते हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर जब अपने स्टूडियो पहुंच जाएंगे फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो हमारे फेस के साथ बनेगी। इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।